चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल को एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है। हम लोग को पता था कि एक्सियल पोजीशन यानी एक्सियल पोजीशन पे क्या आया था, सेम डायरेक्शन में आया था, 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। r क्या था? डाइपोल से डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस। और इक्वेटोरियल में क्या आया था? अपोजिट डायरेक्शन आया था, माइनस पी वैक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ठीक है। अब इसी को यूज करके हम लोग जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसे डाइपोल है और कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे कोई, ठीक है, यू पे थीटा पे हम लोग से पूछा है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट यू, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये पी वैक्टर है आपका, ठीक। तो उससे आइए निकालते हैं, हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए माइनस क्यू है, ठीक है, और यहाँ से डी डिस्टेंस पे ये प्लस क्यू है, यहाँ से मिड पॉइंट से, ठीक है, कोई ऐसे इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट था यू, ये थीटा, ये आर है, इस पॉइंट पर हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए पी वेक्टर जो जाएगा, ठीक है, पी का मैग्नीट्यूड देखिए तो क्यू डी आएगा, ये वेक्टर ऐसे, ठीक है, ऐसे, और हमको यहाँ निकालना है, ठीक है। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक इसके लॉन्ग होगा, ठीक है, इसके लॉन्ग होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा उसको क्या कहेंगे, पी साइन थीटा, ठीक है। तो इस पी, ये दो वेक्टर हो गए ना, ये पी, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, दो डाइपोल हो गया, ठीक है। तो इस पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट एक्सियल हो गया, और इस पी साइन थीटा के लिए पॉइंट इक्विटोरियल हो गया। तो एक्सियल होगा तो एक्सियल ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए सेम डिस्टेंस याद है, एक्सियल के लिए सेम पैरेलल है, और इक्विटोरियल के अपोजिट। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा इधर, यानी इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, कितना हो जाएगा, 2 पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। और इक्वेटोरियल के लिए अपोजिट, तो इक्वेटोरियल इधर है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ 90 है तो इधर आपका 90 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए एक्सियल पॉइंट हो गया, और इस वाले के लिए सेम पॉइंट जो है, इसके लिए एक्सियल लग रहा है, इसके लिए इक्वेटोरियल, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है, 90 डिग्री है, तो दोनों में क्या कॉमन हो जा रहा है आपका, तो पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब कॉमन हो रहा है, ठीक है। अंडर रूट में क्या बच रहा है, 2 cos θ² + sin² यानी 2 cos θ² + sin² थीटा, ठीक है। पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ sin² θ + 4 cos² θ, ठीक है। sin² θ को 1 cos² θ लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 cos² θ यानी 1 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 3 cos² θ, ये नेट फील्ड आ गया आपके पास वहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर उस नेट फील्ड का अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो किसी से, मान लो ये अल्फा है, ठीक है, तो टेन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, ये अपॉन ये, यानी पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब अपॉन 2 पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ये कट गया, पी से पी कट गया, 1/2 क्या आ गया, टेन थीटा, टेन अल्फा की वैल्यू, क्लियर है। तो नेट फील्ड आएगा, चलिए तो यहीं पर रुकते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।